नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आईएमटी गाजियाबाद और स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ की तरफ से देश में पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजन किया गया और इस असेंबली में आईएमटी के डायरेक्टर्स के साथ साथ ओलंपिक में शिरकत करने वाले कई भूतपूर्व खिलाड़ी भी शामिल हुए, जिनमें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित इंडियन फॉर्मर प्रोफेशनल फील्ड हॉकी प्लेयर अशोक ध्यानचंद, फॉर्मर इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर जफर इकबाल सहित भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल जिताने वाले कई खिलाड़ी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान 5 प्रस्तावों पर बातचीत हुई, जिनमें से 4 पर सहमति बन पाई है। अब ये प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकारों को दिए जाएंगे, जिसके जरिए खेल जगत में जुड़े कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी कड़ी में आईएमटी के डायरेक्टर से खास बातचीत की समाचार प्लस की संवाददाता सृष्टि मेहता ने। इस रिपोर्ट को देखिए। यूँ तो हमारे देश में खेल को हमेशा से बढ़ावा दिया गया है, एक सब्जेक्ट के तौर पर भी स्कूल्स में हम स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन किस तरह से और खिलाड़ियों को हम अपने प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस तरह से खेल को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए एक असेंबली, एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली, जिस पर हम आज मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पर आईएमटी के डायरेक्टर डॉक्टर तलवार मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और आगे किस तरह से खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा कैसे देना है खिलाड़ियों को, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर तलवार, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार। आपसे जानना चाहूँगी, क्या इसका मोटिव है कार्यक्रम को आयोजित करने का? देखिए, स्पोर्ट्स को तो काफ़ी महत्व है इंडिया में, हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। आगे ओलंपिक्स भी देख लीजिए, काफ़ी रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ग्रास रूट्स लेवल तक, एकदम फंडामेंटल स्कूल लेवल तक लोगों को प्रोत्साहन दें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ताकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और उसी चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा एक उद्देश्य तो ये है कि वैसे बच्चों को थ्रू मॉडल स्पोर्ट्स विलेज उनको वो अपॉर्चुनिटी दें, गाइड करें, स्ट्रक्चर दें और इसको स्केल के हिसाब से करें। मैं आप सोच रहे होंगे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन इसमें क्यों रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए, मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट्स यू नो मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमने अभी किया है पिछले 2-2.5 साल से, हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। और आज जो गैदरिंग है, आज इतने दिग्गज लोग, इतने पर्सनैलिटीज आज आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक साथ कॉन्वर्सेशन करें, डिस्कशन करें, ताकि और आइडियाज़ और सॉल्यूशंस निकले, ताकि ये हम आगे फिर इसको वाइट पेपर के हिसाब से आगे बढ़ाएं और इसको पेपर पे ही ना रखें, सॉल्यूशंस इनके निकालें। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित फॉर्मर हॉकी प्लेयर जफर इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इकबाल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगी समाचार प्लस पर आपका, और आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो प्रयास आपकी तरफ से किया गया है, जो पहल एक ये जो की गई है, उसकी तरफ से आप क्या लगता है खेल जगत में कितना बदलाव आएगा आगे आने वाले समय में? देखिए, हमारे टाइम से और अब तक काफ़ी खेलों की तरफ रुझान बढ़ा है, लोगों के अंदर भी रुचि हुई है, और मैं समझता हूँ कि जो नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली हुई है, जिसमें काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं खिलाड़ी मौजूद रहे हैं और आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना सुझाव दिया और यही कहा है कि स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो, जो हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि यस हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो, जिससे कि स्पोर्ट्स खेले बच्चे और फिजिकली फिट रहें। और जब स्पोर्ट्स खेलता है तो बहुत चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो वो लीडरशिप डेवलप होती है उसके अंदर, हाउ वन शुड वर्क एज ए टीम, और कैप्टन उसमें बनाए जाते हैं, तो वो बहुत चीज़ें सीखता है, लड़ता है हर चीज़ के लिए कि यस If we have lost today, then we have to win tomorrow. सर, आज डिस्कशन के दौरान आपकी ही एक पैनलिस्ट के द्वारा एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि इस तरह की योजनाएं तो बनती हैं, प्रयास होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जमीनी तौर पर कितने इफेक्टिव हैं, इसके लिए क्या आगे आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा? देखिए, प्रयास तो सभी करते हैं, प्रपोजल भी भेजते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोग पीछे नहीं लगेंगे अगर, तो वो कामयाब नहीं होंगे। अगर नहीं भी करता, हम दोबारा जाएंगे, तिबारा जाएंगे, चौथे मरतबा जाएंगे, मगर हम एक दिन दिखा देंगे कि हम जीते हैं इस वे में। तो हम स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, हम श्योर के वी शुड विन इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच सर। तो जफर इकबाल जी को आप सुन रहे थे।
भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जिताने वाले हॉकी प्लेयर दानिश मुस्तबा मेरे साथ बने हुए हैं। दानिश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू सो मच। आज ये जो डिस्कशन हुआ है, जो मीटिंग हुई है, कितनी जरूरी थी ये, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये इस टाइम बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इतना लार्ज स्केल पे इतना पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की और 7 मेडल अगर ओलंपिक में आ रहे हैं तो ये एक, अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छी बात है, पर आज के दौर में बहुत कम है। तो ये एक मैसेज जा रहा है सभी बच्चों में, पेरेंट्स में, ताकि बच्चे सभी स्पोर्ट्स करें और स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो और हमारी कंट्री वर्ल्ड रैंकिंग में या ओलंपिक्स में मेडल टैली में नंबर 1 या 2 पे है। अभी जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं भारत में खिलाड़ियों को, कितने संतुष्ट हैं उससे या फिर कितना बदलाव चाहते हैं? देखिए, सुविधा हमको तब मिलती है जब हम जूनियर इंडिया टीम तक पहुंच जाते हैं, बट हमें सुविधा चाहिए ग्राउंड लेवल से, या जब बच्चा स्टार्ट करता है मैचेस खेलना या प्रैक्टिस करना ग्राउंड पे, तब उसको असली सुविधा मिलना चाहिए ताकि वो शुरू बचपन से स्ट्रांग रहे और ऊपर जाके और अच्छा परफॉर्म कर सके। और इस वक्त हमारे साथ अर्जुन अवार्ड से सम्मानित फॉर्मर हॉकी प्लेयर अशोक ध्यानचंद जी मौजूद हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगी समाचार प्लस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो पहल आपकी तरफ से की गई है, खेल जगत में किन किन स्तर पर हम बदलाव की उम्मीद करें? ये बदलाव मैं कहूँगा ये प्रारंभ शुरुआत है हमारी संस्था की, जो बचपन से किसी खिलाड़ी को, किसी बच्चे को एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में है, कि किस तरह बच्चे को उसके स्कूल के ज़माने में, उसके घर के माहौल में, स्कूल के माहौल में, उसके बाद उसके दूसरे करियर के माहौल में हम उसको ऐसी भावना उसके अंदर डालने की कोशिश करें कि वो एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े। और खेल आज एक हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है पूरे संसार भर का। आप देखिए, जितने खिलाड़ी मैं समझता हूँ वो पॉपुलर हैं और बेइंतहा पॉपुलर हैं बनस्पत दूसरे लोगों के, तो खिलाड़ियों और पैसे भी, इंसेंटिव आज के ज़माने में बहुत है, तो ये खिलाड़ी का माहौल हम घर से बनाएं, उसके लिए बहुत अच्छी कोशिश डॉक्टर कृष्ण पांडे ने करी है और ये उनका ही विचार था जिसके तहत हमारे जितने ओलंपियंस आज इकट्ठे हुए हैं, ये भी एक नई पहल आएंगे। सर, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, जब आपके टाइम में, जब आप खेलते थे और आज के समय में, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं खेल जगत में, या फिर जिस बदलाव की आपने उम्मीद की थी उतना बदलाव अब तक हो पाया है? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप मैं समझता हूँ हमारे सभी लोग समझ जाएंगे कि मुझे जब अर्जुन अवार्ड मिला था तो अर्जुन अवार्ड के साथ एक कप चाय मुझे पीने को मिली और मैं वापस आ गया। तो ये अर्जुन अवार्ड, लेकिन वो अर्जुन अवार्ड वो अवार्ड था जो किसी विक्ट्री के ऊपर, हमारे देश के गोल्ड मेडल के जीतने के उपरांत दिया गया था और वो बिना मांगे दिया गया था। तो सही मायने में तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए और उस खिलाड़ी के लिए सम्मान की बात है जो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सरकार उसको सम्मान देती, तो वो सम्मान उस वक्त हमको मिला था। आज हम जानते हैं कि इसको लिखना पड़ता है, भेजना पड़ता है, तब जाके सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे टाइम में सम्मान वाकई में सम्मान था। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बदलाव तो आ रहा है, लेकिन अभी आगे और बदलाव करना है, इसी उम्मीद के साथ ये जो कार्यक्रम है, ये जो कोशिश है, उसकी शुरुआत की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट श्यामलाल के साथ मैं सृष्टि मेहता, समाचार प्लस।